शुभ दिन के दिन जिस गो माता की हम पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के नाम से श्री कृष्ण गोशाला के इस विधिवत उद्घाटन के अंदर एक लंबे समय तक जिन्होंने समाज में काम किया, आध्यात्मिक रूप से काम किया, आई माता बिलाड़ा के धर्म गुरु जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान भी किया, सामाजिक रूप से भी काम किया और राजनीति क्षेत्र में भी काम किया, श्री माधव सिंह जी दीवान साहब, मैं उनका कोटा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में इस क्षेत्र की विधायिका श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, बूंदी के विधायक श्री अशोक डोगरा जी, पूर्व मंत्री और बिलाड़ा से ही श्री अर्जुन राम गर्ग जी, जिला कलेक्टर महोदय और जो सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से तो काम करते हैं लेकिन शिक्षा जैसा पुनित कार्य करते हैं, एलएन परिवार से श्री गोविंद महेश्वरी जी, राजेश महेश्वरी जी और इस गौशाला के निमित्त बने जिनकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं ऐसे क्षेत्र में जो अविकसित क्षेत्र हो वहां पर गो सेवा करना चाहता हूं। श्री सी आर चौधरी जी, सभी आए अतिथिगण, महानुभाव नागरिक बंधुओं, माता और बहनों, आप सबको विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण दिन है, संकल्प का दिन है, प्रेरणा का दिन है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर हर त्योहार और हर पर्व हमें नई संकल्प करने की प्रेरणा देते हैं, नए कार्य करने की ऊर्जा देते हैं और आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से हम चलें इसका मार्गदर्शन करते हैं। विजयदशमी का पर्व भी ऐसा ही पर्व है जब संपूर्ण देश के अंदर असत्य पर सत्य की विजय हो, हिंसा पर करुणा की विजय हो और अधर्म पर धर्म की विजय हो। ये पर्व संकल्प लेने का पर्व है कि हम हमारे जीवन के अंदर इन मार्गों पर चलें और आध्यात्मिक रूप से, धर्म के रूप से अगर वह व्यक्ति इस मार्गों पर चलता है तो शाश्वत रूप से उसकी विजय होती है, इसलिए इसको विजयदशमी का पर्व भी कहते हैं। और आज विशेष इसलिए हो गया यहां पर कि विजयदशमी के पर्व पर हम आज श्री कृष्ण गोशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर हम गोमाता की पूजा करते हैं और गौ माता की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर गौ माता हमारे जीवन को संरक्षण करने का काम करती, संवर्धन करने का काम करती। प्रकृति के अंदर ये हिंदुस्तान है जहां पर हम गौ को माता की तरह मानते हैं, हम प्रकृति
प्रकृति को संरक्षण के लिए पेड़ की पूजा करते हैं, जल संरक्षण हो, इसलिए हम गंगा सरस्वती कई नदियों की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये सब पूजा हम इसलिए करते हैं कि जीवन में इनके प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रहे और प्रकृति के साथ हमारा निकट का संबंध बना रहे। जब तक हम प्रकृति को संरक्षण नहीं करेंगे, हमारा जीवन शाश्वत सही नहीं हो सकता। और आज दुनिया इसलिए जब जलवायु परिवर्तन की बात करती है, पर्यावरण की बात करती है, हम आदिकाल से हमारी संस्कृति और संस्कारों में प्रकृति के प्रति हमारा संरक्षण भी है और प्रकृति से आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ा गया है। और इसीलिए मैं इस मौके पर सीआर चौधरी परिवार, एलएन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज उन्होंने बड़ा शुभ काम किया है कि हम गौ माता को यहां पर संरक्षण करेंगे और गौ माता की पूजा करने के साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र के अंदर गौ माता के साथ हम किस तरीके से हमारे प्रकृति को जोड़ते हुए लोगों को नई जीवन देने का काम करें। और इसीलिए सारे देश के अंदर मैं जब अलग अलग गांव ढाणी के अंदर जाता हूं तो सामाजिक कार्यकर्ता गांव के लोग आजकल जगह जगह गौशाला बना रहे हैं। और इसलिए गौशाला बनते हैं कि उनको कष्ट है कि हमारी गौ माता को पालने की जिम्मेदारी समाज में हमारी है। और समाज जब ये जिम्मेदारी लेने लग जाएगा तो निश्चित रूप से हम गौ संरक्षण भी कर पाएंगे, प्रकृति को भी संरक्षित कर पाएंगे और लोगों को रोजगार भी करते पाएंगे। क्योंकि हर धर्म और आध्यात्मिक के साथ व्यक्ति का जीवन यापन का भी मार्ग बताता है। और आप देख लें कि अगर पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को संरक्षण करेंगे तो प्रकृति साथ फल देंगे, पानी का संरक्षण देंगे तो पानी की आवश्यकता उपयुक्तता अपने जीवन में क्या ये दर्शाती है। गौ की माँ की अगर पूजा करेंगे तो गौ से जो जो भी व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, जिंदगी को जीने के लिए गौ माता का कितना उपयोग है ये सब हम जानते हैं। इसलिए हमें इस क्षेत्र के अंदर आध्यात्मिक रूप से भी, धर्म के रूप से भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें और प्रकृति से जुड़े सभी पेड़ हो, पानी हो, सूर्य हो, गोमा हो, सबकी पूजा करें, अर्चना करें। और आज का दिन विशेषकर विजयदशमी का दिन यही है जब हम आध्यात्मिक और धर्म के मार्ग पर चलें। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।